मैं भी कुछ कम नहीं हूं। जब तक आप ये गुनाह कबूल नहीं करेंगी, मैं आपको पुलिस के हवाले नहीं करूंगा। और बिल्कुल वैसे ही कीजिए, और बिल्कुल वैसे ही कीजिए जैसे मैंने आपसे कहा था करने के लिए। ले जाइए। दाता हुकुम को लगा कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है, और सारे प्रूफ्स भी यही दिखा रहे थे, तो ऑब्वियसली उन्होंने बिलीव भी कर लिया। तो उन्हें लगता है कि अगर मैं गुनहगार हूँ तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। तो अभी ये मेरी सज़ा का टाइम है और मुझे बेड़ियों में लेके जा रहे हैं। अब एग्जैक्टली सज़ा क्या है मुझे भी नहीं पता। मुझे भी एक्चुअली समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ पर गलत हो गई। शायद दुश्मन इस बार एक कदम आगे निकला और शातिर था इस बार दुश्मन, और मेरी बाजी मुझ पे ही उल्टी पलटा दी। और somehow दाता हुकुम को, मतलब मैंने इस सिचुएशन में एक्सपेक्ट किया था कि मुझ पे ट्रस्ट करें, तो उन्होंने भी ट्रस्ट नहीं किया, तो वो मेरा एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट हो गया, इसलिए शायद हार गई इस बार। मुझे पता नहीं है कि एग्जैक्टली कौन है इस सब के पीछे। वही पकड़ना है और जानना है कि कौन है। जल्दी शायद पता चल जाएगा कि कौन है इस सब के पीछे। तो बात है ही नहीं, क्योंकि वो सच है। सच जो भी होता है वो कभी ना कभी बाहर आ ही जाता है, तो वो तो अपनी तरह से ईमानदारी से अपनी सज़ा पूरी करेगी, और अब जो भी करना है वो मुझे ही करना है। और शायद मैं इन सारी चीज़ों से बाहर निकल के उसे पकड़ूँ, शायद सबूतों की वजह से, शायद बिकॉज सबूत ऐसे थे कि दाता हुकुम ने बहुत आसानी से उन सबूतों पर विश्वास कर लिया और मुझ पे विश्वास नहीं किया, इसी वजह से शायद। वीडियो में फंस के आपको अच्छा ही लग रहा है, इंटरेस्टिंग है प्ले करने के लिए। पहली बार ऐसे बेड़ियों में जा रही हूँ, शूट कर रही हूँ, थोड़ा चैलेंजिंग है। तो रियल लाइफ इसका कितना